देखो गाइस, ये है स्नैपमिंट की एप्लीकेशन और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका स्नैपमिंट से जो कोई भी अगर लोन चल रहा है तो अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया है उसका तो क्या होगा। मतलब लोन वाले आपके घर आएंगे, कॉल करेंगे, रिश्तेदारों को कॉल करेंगे या सब कुछ जो भी करेंगे वो लोग, तो उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्नैपमिंट प्ले स्टोर में आकर, और जैसे ही मैं स्नैपमिंट यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर आ जाएगा स्नैपमिंट का ऑफिशियल ऐप, जो ये जो है मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले जो है बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं इसको, कि अगर आप इसका लोन नहीं देते हैं तो इसके ये जो है आपके लिए क्या क्या नुकसान इसमें पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मास्टर टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अभी नया इसका जो है अपना चैनल का नाम रखा है आप लोगों से पूछकर। तो देखिए, अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करेंगे तो ये सबसे पहले आपकी जो है लिमिट को ब्लॉक करेगा आपको। जैसे यहाँ पर थ्री डॉट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाने के बाद जो है, और यहाँ पर देखिए ये क्रेडिट लिमिट जो है इस पर इन्हें लॉक लगा दिया है। सबसे पहले ये जो है इसको लॉक करेगा, ठीक है, इसको लॉक कर देगा। और इस पर लॉक करने के बाद जो है, अब मैं देखिए यहाँ पर आऊँगा, इसमें यहाँ पर लिखा है ऑर्डर, ऑर्डर, जैसे मैं ऑर्डर आऊँगा तो इस पर यहाँ पर आएंगे कैंसिल ऑर्डर, रिसेंट ऑर्डर, कम्प्लीट ऑर्डर। तो मैं आपको कम्प्लीट ऑर्डर दिखाता हूँ इस पर। तो देखिए मेरे तीन ऑर्डर थे इसमें, पहला था ये 999 रुपये का, दूसरा था 5000 का, और तीसरा था 1299 रुपये का, और चौथा था 1199 रुपये का। और ये जो है सारे के सारे मैंने कम से कम 9 महीने की पेनल्टी के बाद, मतलब लेट 9 महीने के बाद मैंने इसको जो है जमा किया, और मतलब 10 महीने हो गए थे, 10 मंथ लेट हो गया था मैं इसको रिपेमेंट करने में, और हो गया। और मैंने जब इसको कर दिया तो सबसे पहली बात तो ये, इन लोगों ने उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई और किसी भी तरीके की नहीं लगाई। और इसके कॉल भी जो है मुझ पर बहुत कम आती है, क्योंकि ये मान लीजिए मेरा जो लोन था ये वाला, ये 50,000 के अंडर था, और जिन लोगों का भी 50-50,000 के अंदर होता है या फिर 1,00,000 के अंडर होता है तो उन पर ये लोग क्या करते हैं, बहुत कम ज़्यादा कॉल करते हैं। लेकिन इनकी IBR की कॉल बहुत ज़्यादा आती है, मतलब आप उठाएंगे और हैंड टू हैंड जो है वो खुद ब खुद उधर से बोलने लगेगा कि आप किसने मेरे की किस किस तो बाकी है, आप उसको जल्द से जल्द जमा करवाएं, तो वो सब आता रहेगा। तो ठीक है, तो इन लोगों ने ये ना ही मेरे घर पर विजिट करे, ना ही इन्होंने रिश्तेदारों को कॉल किया, और ना ही इन्होंने जो है किसी को भी कॉल किया, इन्होंने किसी को भी जो है कॉल नहीं किया। और वैसे ही और WhatsApp पे ही थोड़ा बहुत आ जाता था कि मतलब आपकी ये हाई कोर्ट की ये है और वो है वैसे वैसे करके, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन 9 महीने के बाद फाइनली 10वें महीने में जो है मैंने इनके सारे पेमेंट इसमें कर दिए, मेरे पास जुगाड़ हो गया था। तो और इन लोगों ने जैसे मैंने पेमेंट करे तो इन्होंने देखिए यहाँ पर NOC डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे दिया, सब में NOC डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं और 1,00,000 से कम अगर आपका अमाउंट है या फिर लोन है या फिर आपने कोई भी प्रोडक्ट इसमें ले रखा है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है। और इसमें जो है आपका कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई पुलिस वाले आएंगे, ना ही लोन एजेंट वाला आएगा, कोई नहीं आएगा। कॉल तो आएगी, हम 100% कॉल तो आनी है, तो बस उसी उससे आप लोग जो है डरे नहीं, घबराए नहीं। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर वो कोई वीडियो अगर आपका सवाल है या फिर जानने से रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।